सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिला गढ़वा में साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी में जमा धन भुगतान नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने दिनांक 12 दिसंबर 2021 दिन रविवार को रामा साहू आर्य वैदिक उच्च विद्यालय गढ़वा के प्रांगण में साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक की गई, जिसमें झारखंड नन बैंकिंग अभिकर्ता संघ के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा एवं प्रदेश महासचिव सत्येंद्र कुमार उपस्थित थे। जो मुख्य बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी को सेबी के आदेशानुसार द्वारा और प्रशासन के द्वारा 31 दिसंबर 2013 में ब्रांच को सील कर दिया गया था, जिसमें क्षेत्र के लाखों जनता का पैसा फंसा हुआ है। सभी निवेशकों का पैसा या साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी का पैसा और पूरी संपत्ति सेबी द्वारा जब्त की गई। सभी निवेशकों का अवधि परिपक्व हो गया है। अदर राज्य में नन बैंकिंग गरीब जनता का पैसा भुगतान शुरुआत कर दी गई है, लेकिन झारखंड के निवेशकों का पैसा भुगतान के प्रति शासन या सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बगल के ही राज्य छत्तीसगढ़ में पैसा भुगतान करने की सभी प्रक्रिया कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल जी के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कुछ निवेशकों को पैसा भुगतान भी करा दिया गया है। सभी अभिकर्ता द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य की तरह यहां भी कार्यकर्ता संगठन मजबूत किया जाए और संगठन को पंजीकरण कराया जाए, ताकि हम सभी कार्यकर्ता एवं निवेशकर्ता धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेराव कर पैसा वापस कराने का मांग कर सकें। यही सोचकर सभी कार्यकर्ताओं ने जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें कार्यकर्ता गढ़वा जिलाध्यक्ष विनय कुमार चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष दिलीप चौधरी, सचिव रणवीर विश्वकर्मा, उप सचिव अख्तर अंसारी, कोषाध्यक्ष अवध किशोर विश्वकर्मा, उप कोषाध्यक्ष उपेंद्र प्रजापति, सदस्य प्रभारी निरंजन राम, मीडिया प्रभारी मुस्ताक अंसारी, जिला स्तरीय सदस्य रीमा देवी, रिंकू देवी, चंदा देवी, कमला सिंह, दिनेश प्रसाद चंद्रवंशी एवं अजय चौधरी के सर्वसम्मति से चयन किया गया। इस बैठक में सैकड़ों अभिकर्ता एवं जमाकर्ता मौजूद थे और अगला निर्णय लिया कि नेक्स्ट कार्यकर्ता मीटिंग लातेहार जिले में दिनांक 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार बाजार टांड में रखा गई है। आप लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं आ रही है? हम सर मीडिया सर का प्रणाम कर रहे हैं। हमारा नाम है रिंकू देवी, घर पड़ेगा नगर उटारी, घर बिल्डमगंज जमुई। मेरा हम साई प्रसाद में काम करते थे। कस्टमर लोग बहुत हम लोग का मतलब थाना भी अब खेत जमीन करके आप पैसा जमा किए हैं, आप पैसा दीजिए। हम लोग को सरकार नहीं दे रही है, हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? इसीलिए हम लोग किए हैं, अजेट किए हैं, पूरा कमेटी बनाए हैं कि हम लोग को सरकार इसके लिए कार्रवाई किया जाए कि सब कस्टमर लोग को पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग सबको मिल को सरकार को पहुंचाने के लिए हम लोग सब कमेटी बनाए हैं। सबको हम लोग जूझ रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है। ठीक है, बनाने से आपको क्या लगता है सर, सरकार पेमेंट करेगी? सबसे पहले आप मीडिया बंधु को धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग 5 दिसंबर को प्रदेश कार्यकारिणी का बॉडी बनाया और उसके बाद हम लोग निर्णय लिए कि हर जिला में जाकर के जिला कमेटी को बनाना है और एक मजबूत विंग बनाना है, जिसके तहत अभी आपने जो कहा कि क्या जिला कमेटी बना देने से या फिर कमेटी निर्माण कर देने से क्या सरकार पैसा दे देगी, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आज तक हम लोग जो विखंडित हुए हैं, एक दूसरे से संगठन में नहीं जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आज सरकार जो है हमारी सुध लेने वाली भी। सर, आज का बैठक का उद्देश्य क्या था? सर, आज हम लोग गढ़वा में रामा साहू के मैदान में साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी का सारे कर्जकर्ता एकत्रित हुए हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जो कंपनियां 2013 में बंद हुई है, उसे सेबी ने अभी तक पैसा वापस अपने कब्जे में रखी है और कंपनी के मालिक जेल में हैं और पैसा अभी तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है। पैसा के लिए हर ग्रामीण जनता हम लोगों को ऊपर काफ़ी दबाव बना रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ के पूर्व के भांति वहाँ की सरकार और वहाँ के अभिकर्ता कर्जकर्ता सब मिलकर के सरकार के यहाँ आवेदन एप्लीकेशन लगाए, जिससे कि वहाँ की सुनवाई हुई और हम लोगों को सूचना मिली है कि पैसा वहाँ का सरकार देने के लिए तैयार हो गई है। हम लोग भी अपना उद्देश्य जमाए कि हर व्यक्ति